आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अफीम के बारे में। पूरा वीडियो देखने के बाद आप स्वयं वीडियो को लाइक करोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अफीम क्या होता है और ये कहां से प्राप्त किया जाता है। अफीम को अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अफीम की भी खेती की जाती है। कुछ इस तरह का डोडा जब अफीम के पौधे पर आ जाता है तो उसके ऊपर कट लगाया जाता है और डोडे से दूध बाहर आता है जिसको ड्राई किया जाता है और वो ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह का पदार्थ बन जाता है जिसको अफीम बोलते हैं। अफीम निकालने के बाद ये डोडा या खोखा बचता है जिसके अंदर बीज निकलता है। इस बीज को खसखस बना लिया जाता है और फिर केवल डोडा या खोखा बचता है जिसको पीसकर डोडा पोस्ट बना लिया जाता है। अफीम को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको अमल, आलम, ओपियम और राजस्थान की लोकल भाषा के अंदर इसको काढ़ा भी कहते हैं। ये अफीम बहुत ही नशीला पदार्थ है। जो व्यक्ति अफीम का सेवन करता है उसको लत भी लग सकती है। जिस व्यक्ति को अफीम की लत लग जाती है और उसको अफीम न दिया जाए तो उसका शरीर काम नहीं करता। फिर जब उसको अफीम दिया जाता है तब उसके शरीर में एनर्जी आती है। अफीम एक नशीला पदार्थ है। 1985 से पहले इसके लिए कोई कानून नहीं था। 1985 से पहले कोई भी व्यक्ति खेत के अंदर अफीम को उगा सकता था, अफीम का उपयोग कर सकता था, अफीम की लेन देन भी कर सकता था। लेकिन अगस्त 1985 के अंदर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, NDPS एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसके अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इन नशीली दवाओं को बना नहीं सकता, खेत के अंदर अफीम उगा नहीं सकता और इनका व्यापार नहीं कर सकता। NDPS एक्ट सितंबर 1985 में लागू हुआ था। तो इस एक्ट के अंदर 1988, 2001 और 2014 में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए हैं। सुधार होने के बाद कुछ व्यक्तियों को गवर्नमेंट अफीम उगाने का लाइसेंस देती है। जिसके पास लाइसेंस होता है वही व्यक्ति अफीम की खेती कर सकता है। अफीम की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अफीम की दवाइयाँ बनाने के लिए भी गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। जिसके पास लाइसेंस होता है वही दवाइयाँ बना सकता है और दवाइयों को सेल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अफीम की गैरकानूनी तरीके से खेती करता है तो उसको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अफीम के अंदर 12% तक मॉर्फिन पाया जाता है जिसको प्रोसेस करके हीरोइन नाम का ड्रग बनाया जाता है। अफीम का यूज दर्द को कम करने, कब को दूर करने, नींद लाने, एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता था। लोग इसका डायरेक्ट यूज करते थे और इसकी लत लग जाती थी तो इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगा के रखी है। सबसे ज़्यादा अफीम की खेती अफगानिस्तान, बर्मा, कोलंबिया, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, चाइना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाता है। 2002 के अंदर 1 किलोग्राम अफीम की कीमत लगभग $16,000 थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अफीम की कीमत क्या होगी। इस अफीम को लेकर 2 युद्ध भी हो चुके हैं, चीन और ब्रिटेन देश के बीच, जिसके अंदर चीन को हार का सामना करना पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।